नमो नमः मित्राणि, अत्र भवतां स्वागतं संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां। अहम् अस्मि गवीश द्विवेदी। मित्रों, संस्कृत की पाठशाला में हम वर्तमान काल के क्रियापदों से एक वचन के वाक्य बना रहे हैं। वाक्य निर्माण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ और क्रियापदों के सहयोग से बना लेते हैं संस्कृत वाक्य। आप सभी इन वाक्यों को स्क्रीन पर देखकर ध्यानपूर्वक सुनते हुए बोलने का अभ्यास करते रहिए। क्रिया लेते हैं गायति, अर्थात गाता है, तो वाक्य बना लेते हैं प्रिया गायति, अर्थात प्रिया गाती है। सह पिबति, वह पीता है। आपको ध्यान करा दूं कि सह इस पद का प्रयोग पुल्लिंग के लिए होगा, लेकिन वह व्यक्ति हमसे दूर होना चाहिए। ऐसे ही एषः पद का प्रयोग भी पुल्लिंग के लिए होगा, लेकिन जो व्यक्ति आपके पास हो वहां आपको एषः इस पद का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। अग्रिम वाक्य है सा नयति, वह ले जाती है। इयम इच्छति, यह चाहती है। इयम अर्थात यह। फलम पतति, फल गिरता है। मयूरः नृत्यति, मयूरः अर्थात मोर, मोर नाचता है। श्वानः जिघ्रति, श्वानः अर्थात कुत्ता, कुत्ता सूंघता है। श्वानः के स्थान पर आप कुक्कुरः शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। भक्तः ध्यायति, भक्तः ध्यायति, यहां पर उच्चारण का हमें विशेष ध्यान रखना है। ध अक्षर महाप्राण है, इसीलिए यहां पर ध्वनि एम्फेसिस थोड़ा अधिक होगा और कहेंगे ध्यायति, भक्त ध्यान करता है। छात्रः स्मरति, छात्र स्मरण करता है, याद करता है। एषः मिलति, यह मिलता है। सः उपविशति, वह बैठता है। एषः उत्तिष्ठति, यह उठता है। जनता श्रृणोति, जनता सुनती है। शिक्षकः स्थापयति, शिक्षक रखता है। रजकः प्रक्षालयति, अर्थात धोबी धोता है। अब जैसा कि आपको याद होगा, पाठशाला में हमने बताया था कि क्रिया एवं कर्ता के स्थान पर परिवर्तन कर आप सैकड़ों वाक्य बना सकते हैं। आप में से कुछ दर्शकों को ये वाक्य अत्यंत सरल लग सकते हैं, तो कुछ को कठिन। जिन्हें यहाँ कठिनाई है वे इन वाक्यों का वाचिक अभ्यास करने के साथ साथ लिखित अभ्यास अवश्य करें। वाक्य बोलने में कठिनाई हो तो पहले केवल क्रियाओं को ही बोलें। प्रयास करें कि 10-12 क्रियाएं आप लगातार बोल पाएं, जैसे पठति, गच्छति, खादति, गायति, नयति, हसति, उत्तिष्ठति, उपविशति, स्मरति, ध्यायति, पचति आदि। ऐसे शीघ्रता से बोलने से भाषा जिह्वा पर बैठ जाती है, क्योंकि बोले जाने के कारण ही इसे भाषा कहा गया है, भाष्यते इति भाषा। अतः आप सभी से बार बार अनुरोध है कि मन में न बोलकर सिखाए गए अंशों को जोर जोर से बोलें। आप अपनी ही ध्वनि रिकॉर्ड कर पुनः सुन सकते हैं, इससे आप अपने दोष स्वयं सुधार पाएंगे। बाकी आप सभी की सहायता के लिए हम एक्सपर्ट तो सदैव उपलब्ध हैं ही। मित्रों, शिक्षण में आज लेते हैं यही विराम, पर मत करिए आप अभी विश्राम, क्योंकि अभ्यास करते करते ही आप पहुंच सकेंगे संस्कृत भाषा के धाम। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। नमो नमः।